अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमिक वीक और मैं हूँ सईद आइरम। नाज़रीन, जब हम किसी मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं, जब हम किसी मुल्क की तरक्की के हवाले से बात करते हैं, तो ट्रेड को किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की, उसकी तरक्की की बैकबोन समझा जाता है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए ट्रेड की अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ट्रेड के थ्रू हमारे पास पाकिस्तान में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन फिर भी जब हम ट्रेड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वो नुमाया तरक्की नज़र नहीं आती जैसी हमारे पोटेंशियल के हिसाब से होनी चाहिए या जैसी हमें ज़रूरत है अपनी मुआशी तरक्की के लिए, अपनी मुआशी स्टेबिलिटी के लिए। क्या वजह है कि हम उस शोबे में ट्रेड को उस तरीके से स्ट्रेंथन नहीं कर सके, उस शोबे को इतना स्ट्रेंथन नहीं कर सके? कहीं ना कहीं जब हम इस हवाले से बात करते हैं तो स्टैंडर्ड्स की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं इस हवाले से क्वालिटीज़ की बात आ जाती है कि हम इंटरनेशनल जब मार्केट में जाते हैं तो हम उस मार्केट को टैप करने के लिए वहाँ के स्टैंडर्ड्स को किस हद तक फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड्स के हवाले से कितना ज़्यादा काम हो रहा है, कौन कौन से इदारे हैं जो कि इस हवाले से काम कर रहे हैं, और ये सर्टिफिकेशन कितनी ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इस्मत गुल खटक साहिबा, डी जी हैं पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल की। PNAC जी बना है ट्रेड के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। ये WTO की एक रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल उसके दो एग्रीमेंट्स हैं, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड और सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। उनको ओवरकम करने के लिए, उनके खिलाफ मुल्क में खिलाफ नहीं, उनके उसके मुकाबले में मुल्क को मजबूत करने के लिए, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए PNAC बनी है जी। तो इसमें इसका प्रोसेस जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा आसान। हमारा वेबसाइट बड़ा डायनामिक है, हर चीज़ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे टेलीफोन नंबर्स तक, मेरा नंबर भी अवेलेबल है, कोई किसी से बात करना चाहे, डायरेक्टली पूछना चाहे, तो हम सारे, हमारी ट्रेनिंग ही यही है कि हमने प्रॉम्प्टली जवाब देना है और सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना है जी। एक्रेडिटेशन जो है वो कॉन्फिडेंस का नाम है, दूसरा नाम कॉन्फिडेंस है अरबी में इसको। मैंने वहाँ UAE में जॉब की थी, तो इसको समथिंग एतमाद बोलते थे। तो मतलब है कि आपका एक चीज़ पे ट्रस्ट होता है, ये है एक्रेडिटेशन। आपका जब तक एक इदारे पे, एक प्रोडक्ट पे, एक बंदे पे ट्रस्ट ना हो, वो एक्रेडिटेशन में नहीं आ सकता। ट्रस्ट आपका कैसे बनता है, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, और उसी पे हम कहते हैं कि ये इसकी एक्रेडिटेशन हो गई। नहीं जी, मैंडेटरी तो नहीं है जी, ये हमारी सबसे बड़ी थोड़ी सी बदकिस्मती इसको कह सकते हैं कि ये हमारे मुल्क में एक्रेडिटेशन मैंडेटरी नहीं है। 100% मैंडेटरी होना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारा मुल्क अभी डेवलपिंग कंट्री है, इसमें बहुत से मसले मसाइल हैं। मगर जहाँ पर क्रिटिकल है, जहाँ एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ है, जहाँ ट्रेड से या ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, वहाँ तो ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए, अभी नहीं है। हमने तकरीबन 200 से तकरीबन ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, कुछ एक्रेडिटेशंस हमने अवॉर्ड किए, अराउंड 200 से ज़्यादा लेबॉरेटरीज़ को, इंस्पेक्शन बॉडीज़ को, सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को, हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को, इनको हमने एक्रेडिटेशंस अवॉर्ड की हैं। सबसे पहले तो ये है, वो हमसे इंक्वायरी करता है, पूछता है कि मुझे क्या क्या करना है, फिर हम लोग उनको गाइड करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे अपना मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपने हमारा वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके, उसको फिल करके हमें भिजवा देना है, और उसके साथ जितना भी आपका मैनेजमेंट सिस्टम होगा उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे, ISO 17025 है या ISO 17020 है या 21 है या 65 है, जो भी स्टैंडर्ड, या PS के जो हलाल का स्टैंडर्ड है 4992, उसके मुताबिक आपने अपना स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना है और हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है। स्टैंडर्ड्स के लिए दुनिया में एक इदारा है, एक नहीं कई इदारे हैं, जिसमें एक ISO है, स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। उसके दुनिया में, पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके एक एक इदारा, जैसे PNAC एक्रेडिटेशन के लिए है, स्टैंडर्ड्स के लिए PSQCA है, वो उसका मेंबर है, उसके बेस पे वो वहाँ से 20-22 हज़ार जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको उन्होंने अडॉप्ट किया है या स्लाइटली मॉडिफाई किया है अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमें स्टैंडर्ड्स PSQCA से मिलते हैं, हम उन स्टैंडर्ड्स को आगे इम्प्लीमेंट
कराने के लिए उस पर ऑडिट जैसे होते हैं उस तरह के ऑडिट्स करते हैं, उनको हम असेसमेंट्स बोलते हैं। और उसके बेस पे जब कोई क्वालिफाई करता है, उनके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, एथिकल वैल्यूज़ चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं। इसके बेस पे फिर हम जाके उनको देखते हैं कि क्या ये इस काबिल है कि इसको एक्रेडिटेशन अवार्ड किया जाए। फिर हमारी एक रिव्यू कमेटी होती है, उसमें वो रिव्यू में जाता है केस, फिर उसके बाद हम एक्रेडिटेशन अवार्ड करते हैं। तो जब वो फुली इम्प्लीमेंट हो जाता है स्टैंडर्ड, तब हम उसको एक्रेडिटेशन देते हैं। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था इंसेंटिव प्रोग्राम का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैसे उन्होंने उसमें एलोकेट किए थे, जिसकी वजह से वो लोगों को कहते थे कि आप अपना सिस्टम बनाएं, हम आपको कंसल्टेंट हायर करने के पैसे दे देंगे, हम आपको हेल्प करने के पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प हुई, मगर बहुत से इदारे जो ट्रेड से रिलेटेड हैं, जिनको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, उनकी तो रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो हमारे पास आते हैं खुद से ही, और वो ख़ुद से ही हमसे एक्रेडिटेशन मांगते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो हमसे थोड़ा भागते हैं कि भई हमारे ऊपर कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लागू ना करने आ जाएं। तो हम तो किसी के पीछे खुद से नहीं जाते, लोग हमें अप्लाई करेंगे तो हम जाएंगे। उसके लिए एक अलहदा इदारा है जी, वो हमारा काम नहीं है, वो PSQCA का काम है, जहाँ पर वो पनिशमेंट्स भी कर सकते हैं, वहाँ पर वो मार्केट से सैंपल कलेक्ट भी कर सकते हैं। उन्होंने भी अपने रिक्वायरमेंट में एक्रेडिटेड लेबॉरेटरी को, टेस्टिंग को डाला हुआ है, वो भी एक्रेडिटेशन को इस्तेमाल करते हैं टू चेक द कॉम्पिटेंस ऑफ द पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो वो उनका भी यही है, मगर वो ये हमारा मैंडेट नहीं है, क्योंकि हर इदारे का मिनिस्ट्रीज़ के अंदर अपना एक रोल होता है। हमारा रोल वो है कि जब एक्रेडिटेशन जिसको चाहिए हम उनको देंगे। अभी मैंडेटरी नहीं हुआ बहुत सा, इसलिए हम वॉलंटरी पे जा रहे हैं। जहाँ फूड प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ मैंडेटरी है, वहाँ पर PSQCA की रिक्वायरमेंट होती है कि जब तक वो एक्रेडिटेड नहीं होगा हम उसकी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, इसलिए वहाँ पर एक्रेडिटेड टेस्टिंग आ जाती है। मैं अपने पिछले टेन्योर में भी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल रिकग्निशन लिया था प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के लिए। मैंने काफ़ी मेहनत की थी और बहुत बड़ा हमारा पीयर रिव्यू हुआ था 45 मैंडेज के, यानी बाहर अमेरिका, कनाडा, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से एक्सपर्ट्स आए थे, हमारे सिस्टम को ऑडिट किया था, जिसके बेस पे हमारी इंटरनेशनल रिकग्निशन हुई थी। अभी फिर मेरा प्लान है इंशाल्लाह, हमने नई स्कीम्स अभी 2021 में, अभी तो मैंने 4 महीने पहले दोबारा चार्ज लिया है, 2021 में मेरा प्लान है इंशाल्लाह नई स्कीम्स लॉन्च करने का, जिसमें बल्कि हलाल का मैंने अपने पिछले टेन्योर में हलाल एक्रेडिटेशन अवार्ड करनी शुरू की थी। अभी हमने जो किया है उसमें हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन का एक मैं लाना चाह रही हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ शौकत खानम है, शिफा है और आगा खान है, ये तीन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल जो एक्रेडिटेशन ली है अमेरिका से, लिए JCI से। हम चाहते हैं कि उसका पैरेलल सिस्टम हम पाकिस्तान में बनाएं, उस पर हम लोगों ने अपना काम शुरू किया है। उसकी फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं, हमें तो वैसे भी बजट गवर्नमेंट से मिलता है, क्वालिटी हमारी वही होगी मगर फीस हमारा बहुत कम होगा, जो नॉर्मल पाकिस्तान के रेट्स होते हैं, मगर क्वालिटी JCI से कम नहीं होगी, हमारा स्टेटस इक्विवेलेंट होगा इंशाल्लाह। तो ये एक मेरा प्लान है इस टेन्योर में ये काम करने का जी। इसके अलावा मेरा ये भी ख्याल है कि ये ग्रीन बिल्डिंग्स, आजकल तो एनर्जी एफिशिएंसी की बातें हो रही हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि 22 तक इस तरह हम ग्रीन बिल्डिंग कोड्स को एक्रेडिटेशन अवार्ड करना शुरू करें, ताकि पता चले कि हमारे मुल्क में भी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हैं, ये भी पता चले कि लोग इस तरफ आएँ कंस्ट्रक्शन में। हमारी बहुत ज़्यादा बिजली ज़ाया होती है, पानी ज़ाया होता है, मैं चाहती हूँ कि इस पे भी हम काम करें, तो इस पे भी ख्याल है मेरा। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एक और चीज़ है विच इज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट, इस पे मैंने दुबई में भी काम किया था, यहाँ मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को भी अब इम्प्लीमेंट कराना शुरू करें। एक और चीज़ है जी जिसको ग्लोबल गैप बोलते हैं, जो हमारे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट के लिए, चावलों के लिए, इन चीज़ों के लिए बड़ी ज़रूरी है, वो हम लॉन्च करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह इस अगले टेन्योर में, मेरा ये भी प्लान है जी। एक है गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिस GLP, जो हमारी फार्मास्यूटिकल के लिए बड़ी एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, मैं उसको भी लॉन्च करने का प्लान है। ये सारा हम लोगों ने इसका प्लान किया है, सिर्फ हमारे पास इतने ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सोच सोच के करती हूँ। अगर मेरे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती
तो शायद ये सारे मैं वन गो में विद इन सिक्स मंथ्स लॉन्च कर देती, मगर क्योंकि मुझे साथ साथ लोगों को उस पर ट्रेन भी करना होता है और उनको बताना भी होता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं और ये दो तीन सालों में हम काफ़ी ज़्यादा नई स्कीम्स लॉन्च कर लेंगे जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी जी। ग्रीन बिल्डिंग वो बिल्डिंग होगी जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी होगी, यानी उससे आपकी हीटिंग और कूलिंग बेहतर तरीके से होगी, कंजर्व करेगी, वो वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है जी। पानी उसमें तरीके से इस्तेमाल होगा, वेस्ट नहीं होगा। उसकी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, ग्रीन बिल्डिंग कोड्स होते हैं, वो यूएई में उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है, मैंने वहीं पर ये चीज़ सीखी थी और मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान में भी ग्रीन बिल्डिंग कोड्स को मेरे ख्याल में यहाँ डेवलप हुए हुए हैं, हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कराना शुरू करें। और वॉलंटरली बिल्डिंग्स को जो भी अपनी कोई बड़ी कंपनी है जो ग्रीन बिल्डिंग डिक्लेयर होना चाहती है वो उसको करें, तो उसमें ये होगा। अब तो वहाँ पर ये है कि खैर वो तो बहुत आगे स्टेप है, वर्टिकल एग्रीकल्चर शुरू हो गई है, मैंने खुद इटली में देखी है जी, दीवारों पे फसलें लगी हुई हैं, बड़ी मतलब हैरानकुन चीज़ें हैं, छतों पे लोगों ने बाकायदा वेजिटेबल्स और ये चीज़ें उगाई हैं, बैल्कनीज में फ्रूट लोगों ने उगाए हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं ये चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ कि हम कुछ इस तरह की सिस्टम्स पाकिस्तान में भी लाएँ कि हमारे जो छत इतने ज़ाया होते हैं उसको भी हम यूटिलाइज़ करें, हमारी बिजली की तारें जो बिजली ज़ाया करती हैं वो भी ऐसे मेटल से बनी हो, कॉपर से हो या जो भी हो, जो बेहतर तरीके से उसको एनर्जी ज़ाया ना हो। फिर गैस की हमारी बड़ी ज़ाया होती हैं, लीकेजेस होती हैं, ये सारी ग्रीन बिल्डिंग में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि जो ये इसको कंट्रोल करेंगी। यार जी मुझे तो आसान काम करना अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वो सारे करते हैं, मुझे वो काम अच्छा लगता है जो सब नहीं करते, तो मैंने हमेशा से चैलेंजिंग टास्क अपने लिए रखे हैं। हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, उसको मैंने रखा है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में थी नहीं, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बॉडी को एक्रेडिट भी कर लिया, उसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन हमारे पास है जी, हमारी उस प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बॉडी की सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट होती है। तो मुझे तो आसान टास्क पसंद ही नहीं है, चैलेंजिंग टास्क को करके बंदे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, वरना तो फिर तो बंदा घर ही बैठ जाए तो अच्छा है। अच्छा एक और चीज़ भी इसके अलावा भी, अभी हमारे जो ये गवर्नमेंट का प्लान है 10 बिलियन सुनामी का, मैं चाहती हूँ कि फॉरेस्ट्री की एक्रेडिटेशन हो जी, इसकी फॉरेस्ट्री स्टीवर्डशिप एक प्रोग्राम है जो दुनिया में होता है कुछ मुल्कों में, मैं चाहती हूँ कि वो हम पाकिस्तान में, मेरे पिछले टेन्योर में मेरा प्लान था स्टार्ट करने का, मगर उस पर मैंने कुछ काम किया था, हम नहीं कर सके, टाइम नहीं था। इस बार मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि हम फॉरेस्ट्री की सर्टिफिकेशन भी करेंगे। फिर हमारी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के हवाले से ये है कि हमारे मुल्क के कुछ एरियाज़ वर्जिन एरियाज़ हैं, जहाँ पर अभी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं हुआ, जहाँ अभी तक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। जैसे अगर हमारी ये ऑलिव की ट्रीज़ की फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्स हैं, जो उस दिन पीएम साहब की तकरीर में था, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, मैं तो कहती हूँ कि ये हम ऑर्गेनिक ऑलिव्स के तौर पे इनको इंट्रोड्यूस कराएं दुनिया में कि पाकिस्तान ऑर्गेनिक ऑलिव्स की फार्मिंग कर रहा है। फिर इसके अलावा दो तीन सजेशंस मैं इस वक्त देना चाहती हूँ। एक हमारी नीम का ट्री हमारे मुल्क में बड़ा अच्छा उगता है, मेडिसिनल वैल्यू है, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाएँ। इसके अलावा मोरिंगा दुनिया में लोग इसके पीछे मरते हैं, मैंने अपने घर में भी लगाया है, उगता है बड़े अच्छे तरीके से, हम मोरिंगा की फॉरेस्टेशन करें, उसके तो पैकेट डॉलरों में बिकते हैं, थोड़े थोड़े से पत्ते डॉलर्स में आप बेच सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, जिसकी वैल्यू भी हाई एंड मार्केट भी है, और जो हम कर सकते हैं। बाकी हमारे बहुत से प्लांट्स हैं जो पहाड़ों में हमारे होते हैं मेडिसिनल वैल्यू के, उसको कोई घास वो खाद वाद नहीं देता, वो जंगली उगते हैं, मगर उनकी बड़ी हाई प्रोडक्ट, हाई एंड वैल्यू है उसके, बहुत कीमती प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, मेडिसिनल वैल्यू है, जो एक्सपोर्ट होते हैं, उसको हम चाहते हैं कि उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलाएं। और इसके अलावा हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे क्रॉप्स हैं, बड़े ऐसे इरादे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, जहाँ अभी तक ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं हुई, उनको हम ऑर्गेनिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा,
पूरे प्रोग्राम में जो एक बात सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि अगर हम बैनुल अक्वामी मार्केट में जाना चाहते हैं, अगर हम बैनुल अक्वामी मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना होगा। जब तक हम उनके स्टैंडर्ड्स को इंश्योर नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को उस लेवल तक नहीं लेकर जाएंगे जो बैनुल अक्वामी मार्केट में हमारा एक अच्छा इमेज लेकर जाए, हमारी एक क्रेडिबिलिटी लेकर जाए, तब तक हम ना तो पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर सकते हैं और ना ही हम इंटरनेशनल मार्केट में एक ट्रेडिंग कंट्री के तौर पे अपना नाम, अपनी जगह बना सकते हैं। इदारे अपना काम कर रहे हैं, इदारों का काम बहुत अहमियत का हामिल भी है, उनके काम में, उनकी वर्किंग में किसी किस्म का शक नहीं है। शायद कहीं ना कहीं भी हमें बहसियत एक शहरी के, हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं सिस्टम में आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम एक सिस्टम में आएंगे तो यकीनन हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको यही बताया है कि पाकिस्तान के इदारे, खसूसी तौर पर PNAC क्या काम कर रहा है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, और यकीनन ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत अहमियत का हामिल टॉपिक भी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।